रिजल्ट निकला रिजल्ट पर की बात है क्या नौकरी कर ले 10 साल नौकरी नहीं 10 साल नौकरी पूरी ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन की बात नहीं होती बात आज तक मैं भी जो कराया हूं सुन लीजिए मैं भी जो कराया हूं जब रिजल्ट निकल गया काम खत्म ऐसा दीजिए आप ये ये है सुभाषपा विधायक बेदीराम जिनका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। एक तरफ जहां नीट परीक्षा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए सीबीआई दबिश डाल रही है, ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा के विधायक बेदीराम का ये वीडियो काफी चर्चा में है, जिसमें वो पेपर लीक से लेकर राज्यों में पैसे लेकर भर्ती कराने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 40-40 लोगों को नौकरी दिलाई है और उनके तार कई दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मुझे बतिया फैल रहा है, तो देने की बात हुई थी ना, हम रिजल्ट निकला रिजल्ट तक की बात होती है क्या नौकरी कर ले 10 साल नौकरी 10 साल नौकरी थोड़ी ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन की बात नहीं होती बात आज तक मैं भी जो कराया हूँ सुन लीजिए मैं भी जो कराया हूँ जब रिजल्ट निकल गया काम खत्म पैसा दीजिए आप दीजिए मेरी ये जो कैंसिल हुआ केवल यही नहीं बहुत लोगों का पैसा ही करा जीवन से बड़ी कुछ ना हो जो है आत्महत्या कर रहे सुना आपने किस तरीके से विधायक खुद कह रहे हैं कि उन्होंने पेपर लीक कराए हैं। बेदीराम ने खुद कहा कि वो कई राज्यों में भर्तियां कराते हैं। इस दौरान उन्होंने यूपी बिहार राजस्थान हैदराबाद और तेलंगाना जैसे राज्यों का भी नाम लिया है। इतना ही नहीं विधायक महोदय तो नौकरी लगाने की डील भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े काम करते हैं। आपको बता दें कि सुभाषपा विधायक बेदीराम गाजीपुर की जखनिया सीट से विधायक है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो एक युवक ने बनाया है जो नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं हो पाने की वजह से पैसे मांगने पहुंचा था। इस वीडियो के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। अब आपको हम राजभर का एक संबोधन सुनाते हैं जहां वो लोगों को कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड आ जाने के बाद संपर्क कर लेना, जुगाड़ हो जाएगा। सुनिए। किसी विभाग में नौकरी चाहिए किसी विभाग में आपके भाई को आपके परिवार बच्चे को आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए तब फार्म भरने के बाद प्रभु का कहते क्या आता है वो कॉल लेटर एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जो भी कहते हो भाई कॉल लेटर जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना निश्चित है जुगाड़ तो बना ही देंगे। देखने में ऐसे लग रहे हैं इनके कम से कम कई लाख चेला लोग नौकरी कर रहे हैं और सबको नौकरी इन्होंने दिया है तो आप लोग भी मेहनत कर रहे हो तो आप बताओ आपको भी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए। सुना आपने यहाँ तो राजभर भी खुलेआम लोगों को नौकरी दिलाने की बात कर रहे हैं। वहीं अब बेदीराम का ये वीडियो लीक होने के बाद ओम प्रकाश राजभर और बेदीराम दोनों इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। बेदीराम का ये वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब पेपर लीक का मामला गरमाया हुआ है। वहीं पेपर लीक मामले में दो बार जेल जा चुके बिहार के विजेंद्र गुप्ता ने भी बेदीराम का नाम लिया था और उन्हें पेपर लीक का माफिया बताया था। बेदीराम सुभाषपा प्रमुख और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के भी करीबी माने जाते हैं। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।